हाय माय डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व किया था। प्रैक्टिस सेट 2 आपने प्रॉपर्टी फर्स्ट के बेस पर सॉल्व किया था। ओके, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल की हम सेकंड प्रॉपर्टी आज स्टडी करने वाले हैं। सो सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन टू साइड्स एंड द एंगल्स इंक्लूडेड बाय देम। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स। इस प्रॉपर्टी में हमें क्या दिया गया है? दो साइड एंड एक एंगल। ओके फ्रेंड्स, सो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो अवर फर्स्ट एग्जांपल इज ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट लेंथ पी क्यू इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, मेजर एंगल पी इक्वल टू 50 डिग्री एंड लेंथ पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, इसे मोल के कहते हैं मेजर ऑफ एंगल। ओके, इसे मोल के कहते हैं मेजर ऑफ एंगल। सो हियर मेजर ऑफ एंगल P इक्वल टू 50 डिग्री। अगर यहाँ पर A दिया होता सो मेजर ऑफ एंगल A आता। ओके फ्रेंड्स, सो हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या किया था? दो एग्जांपल सॉल्व किए थे। इन दिस प्रॉपर्टी वी आर आल्सो गोइंग टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्टली हमें क्या करना है, यहाँ पर रफ फिगर ड्रॉ करना है। रफ फिगर आप हैंड से भी निकाल सकते हो। अब फर्स्टली हमें क्या दिया गया है, लेंथ पी क्यू इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो बिग लेंथ हमें बेस पर लेनी है, सो पी क्यू बेस पर आ जाएगा। ओके, सो ये हो गई लेंथ पी क्यू एंड वो है 5.5 सेंटीमीटर्स की। ओके फ्रेंड्स, अब सेकेंड लेते हैं मेजर एंगल पी इक्वल टू 50 डिग्रीज। ओके फ्रेंड्स, ओके ये एंगल हो गया अब एंड पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसे लिख देते हैं यहाँ पर 50 डिग्रीज एंड लेंथ पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर एक न्यू पॉइंट आ जाएगा आर। ओके फ्रेंड्स, एंड हियर वी राइट 5 सेंटीमीटर्स। ओके, अब क्यू एंड आर को भी हम ज्वाइन कर देते हैं बिकॉज हमें यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ओके फ्रेंड्स, सो हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या किया था, हमें सिर्फ कंपास का यूज़ था। अब इस प्रॉपर्टी में हमें प्रोटेक्टर का भी यूज़ करना है ना? एंगल निकालने के लिए हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। अब फर्स्टली हम क्या करते हैं, रफ फिगर के अनुसार लेंथ पी क्यू ड्रॉ करते हैं। सो इट इज़ अवर रफ फिगर। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्टली यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं लेंथ पी क्यू। लेंथ पी क्यू कितने सेंटीमीटर्स के हैं? 5.5 सेंटीमीटर। सो जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो पर एक पॉइंट आएगा, देन हियर 1, 2, 3, 4, 5 एंड हियर 6। ओके, 5.5 सेंटीमीटर्स बोला है ना, सो 5 एंड 6 में जो बिग लाइन है मिडल वाली उसे कहते हैं 5.5 सेंटीमीटर्स। सो यहाँ पर हम सेकेंड डॉट बनाएंगे। ओके, सो ये दोनों डॉट्स हम ज्वाइन कर देंगे। सो ये हो गया हमारा पी क्यू लाइन सेगमेंट। ओके, एंड वो है 5.5 सेंटीमीटर्स का। ओके फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर फर्स्टली एंगल निकालना है। ओके, ये पी आर साइड आपको बाद में निकालना है, फर्स्टली आपको एंगल निकाल लेना है। सो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। एंगल पी दिया गया है, सो पी पर हम प्रोटेक्टर को रखेंगे, पॉइंट पी पर। ये जीरो लेवल एडजस्ट करेंगे, मींस जो हमारे नोटबुक पर जो लाइन से उसके पैरेलल ही ये प्रोटेक्टर का लाइन आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो हमें एंगल क्या बताया गया है यहाँ पर, 50 डिग्रीज। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जीरो से, हियर जीरो, देन 10, 20, 30, 40, 50। ओके, 50 डिग्रीज बोला है, सो 50 पर स्टॉप कर देंगे।
50 डिग्रीज पर एक डॉट बनाएंगे। ओके हो गया डॉट। अब इस पी पॉइंट को एंड इट्स डॉट को हम ज्वाइन कर देते। ओके सो ये हो गया हमारा एंगल पी एंड ये है 50 डिग्रीज का। ओके फ्रेंड्स अब लास्टली यहाँ पर हमें साइड पी आर की वैल्यू दी गई है। ओके सो हम क्या करेंगे इसके लिए कंपास का यूज़ करेंगे। कंपास एंड स्केल का हमें यूज़ करना है। सो फर्स्टली कंपास का टिप 0 पर रखना है देन 5 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस हमें यहाँ पर नापना है। ओके सो यहाँ पर है 1 देन 2 3 4 5 सो 5 पर स्टॉप करना है। ओके 5 सेंटीमीटर्स बोला है सो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स पॉइंट पी पर कंपास का टिप रखेंगे देन इस एंगल पर एक कर्व ड्रॉ करेंगे। ओके सो ये हो गया कर्व एंड इतना डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर्स का। ओके फ्रेंड्स एंड इस न्यू पॉइंट को हम नाम देते हैं आर। ओके सो आर एंड क्यू को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके बिकॉज हमें यहाँ पर उन्होंने ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बोला है। ओके सो ये हो गया हमारा ट्रायंगल है ना फ्रेंड्स सिंपल है ना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी से ये समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स इसको इन्वर्टिंग मीन्स उल्टा भी निकाल कर आपको बताते हैं। ओके सो हम क्या करेंगे इस रफ फिगर को सिर्फ उल्टा कर देंगे मीन्स यहाँ पर हमारा ऊपर बेस आ जाएगा। ओके ये हो गया हमारा बेस मीन्स पी क्यू। ओके फ्रेंड्स देन हियर 50 डिग्रीज एंगल पी की वैल्यू है। ओके ये हो गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस एंड हियर एंगल पी। ओके एंड हियर आर क्यू एंड आर को ज्वाइन करना है एंड ये होगा 5 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस। ओके सो ये हो गई हमारी सेकंड रफ फिगर। फ्रेंड्स आप एग्ज़ाम में ऐसे और ऐसे इन दोनों तरीकों से आप ड्रॉ कर सकते हो जो आपको सिंपल लगे वो ये आप लेना। ओके फ्रेंड्स सो हम क्या करेंगे फर्स्टली ये बेस को हम ऊपर ड्रॉ करेंगे। ओके बेस ऊपर है ना सो बेस को ऊपर ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर्स का। सो फर्स्टली यहाँ पर एक ज़ीरो इन हेयर 1 2 3 4 5 एंड हेयर 5.5। ओके 5.6 में जो मिडल बिग लाइन है उसे कहते हैं 5.5। सो इन दो पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं। सो ये हो गया डिस्टेंस पी क्यू। ओके अब क्या करना है हमें 50 डिग्रीज का है एंगल क्रिएट करना है। ओके सो हम क्या करेंगे ओके अगर आपको उल्टा धरना नहीं आता तो आप पेज को पलट भी सकते हैं ऐसे देन हेयर पॉइंट पी है ना सो इस पर हम मिडल जो है वो रख देंगे देन इसको एडजस्ट कर लेंगे। ओके 50 डिग्रीज बोला है ना सो यहाँ पर है 0 देन 10 20 30 40 50। ओके सो यहाँ पर आएगा हमारा 50 डिग्रीज। अब इस न्यू पॉइंट को एंड पी पॉइंट को हम जोड़ देते हैं। ओके सो ये हो गया हमारा 50 डिग्रीज का एंगल देन इसके बाद हियर 5.5 सेंटीमीटर पी क्यू देन इसके बाद हमें क्या करना है लेंथ पी आर ड्रॉ करना है। ओके सो इसके लिए हम कंपास एंड स्केल का यूज़ करेंगे। कंपास का टिप 0 पर देन हियर 5 सेंटीमीटर्स। ओके 5 सेंटीमीटर बोला है ना सो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसमें हमें नापना है। ओके सो ये हो गया 5 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस। अब पी पॉइंट पर रखना है देन इस एंगल पर एक कर्व ड्रॉ करना।
ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें न्यू पॉइंट मिला, अभी इसे नाम देते थे हम आर। ओके एंड दिस डिस्टेंस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड देन इसके बाद हम क्यू एंड आर को ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हम ऐसे भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं सीधे एंड इसे उल्टा भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको सिंपल लगे वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड एग्जांपल है, ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी सच दैट लेंथ एबी इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर, लेंथ बीसी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज। अब फर्स्ट एग्जांपल जैसा ही हम यहाँ पर करेंगे, फर्स्टली बेस पर बड़ी वाली साइड लेंगे, बिग साइड कौन सी है यहाँ पर, लेंथ एबी, सो एबी बेस पर आ जाएगा। ओके एबी हो गया 7.3 सेंटीमीटर, देन फर्स्टली एंगल क्रिएट करना है, सो मेजर एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, सो बी से एक एंगल लेंगे। ओके एंड ये आएगा हमारा सी पॉइंट। ओके देन बी सी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। ओके इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। ओके बी सी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, सो यहाँ पर हम लिख देंगे एंड हियर एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर रफ फिगर। ओके रफ फिगर हो गए ड्रॉ। अब क्या करेंगे, हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्टली हम बेस ड्रॉ करेंगे, लेंथ ए बी, लेंथ ए बी कितने सेंटीमीटर्स के हैं, 7.3 सेंटीमीटर। सो फर्स्टली स्केल यहाँ पर रखना है, यहाँ पर है 0, देन इसके बाद 7.3 है। ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर्स। ओके देन हेयर 7.1, देन 7.2 एंड हेयर 7.3, मीन्स 7 के बाद वाली थर्ड स्मॉल लाइन, इसके तहत 7.3 सेंटीमीटर। ओके सो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें दो पॉइंट्स मिले, अब इन पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं। ओके सो दिस इज अवर लेंथ ए बी। ओके एंड विच इज ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। ओके अब फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या दिया गया था, एंगल पी दिया गया था, एंगल पी इस साइड पर था। ओके सो यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर का यूज़ किया था, बट यहाँ पर हमें इस एग्जांपल में मेजर एंगल बी की वैल्यू दी गई, पॉइंट बी यहाँ पर आया है। ओके सो पॉइंट बी पर हम प्रोटेक्टर रख देंगे बिकॉज इसकी वैल्यू हमें एग्जांपल में दी गई है। ओके फ्रेंड्स, सो मेजर एंगल बी की वैल्यू है 45 डिग्रीज। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, यहाँ पर 0, देन 10, 20, 30, 40। ओके देन ये 41, 42, 43, 44, 45, मीन्स 40 एंड 50 में जो मिडल वाली बिग लाइन है उसे कहते हैं 45 डिग्रीज। ओके सो यहाँ पर हमें एक न्यू पॉइंट मिला, अब इस पॉइंट को एंड बी पॉइंट को हम जोड़ देते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये हो गया हमारा एंगल बी। एंगल बी कितने डिग्रीज का था, 45 डिग्रीज। ओके फ्रेंड्स, अब लास्टली हम क्या करेंगे, साइड बी सी हमें निकालना है। ओके साइड बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 5.8 सेंटीमीटर की लेंथ है इसे कंपास में नाप लेंगे। ओके सो हम इसके लिए कंपास एंड स्केल का यूज़ करेंगे। सो फर्स्टली कंपास का टिप 0 पर, देन हेयर 1, 2, 3, 4, 5। ओके देन हेयर 5.5, आपको पता है 5 एंड 6 में जो मिडल वाली बिग लाइन है इसे कहते हैं 5.5 सेंटीमीटर्स। देन इसके बाद 5.6, 5.7 एंड देन हियर 5.8। ओके सो ये हो गया हमारा 5.8 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस। अब फ्रेंड्स, हम कंपास के टिप को पॉइंट बी पर रखेंगे, देन इस एंगल पर एक कर्व ड्रॉ करेंगे। ओके कर्व ड्रॉ हो गया, सो यहाँ पर हमें न्यू पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सी। ओके देन इस पॉइंट ए को एंड पॉइंट सी को हम जोड़ देते हैं।
So side BC is of 5.8 centimeter. So this is our required answer. Okay. So हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दिया. अब सेकेंडली इसको आप उल्टा भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी दिखा देते हैं हम. सो बेस हमारा ऊपर आ जाएगा, लेंथ ए बी. ओके, लेंथ ए बी यहाँ पर था, सो ऊपर आ जाएगा. ए बी इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर्स. ओके फ्रेंड्स, देन मेजर एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज. ओके, एंगल बी 45 डिग्रीज. ओके, देन इसके बाद यहाँ पर सी पॉइंट आएगा. ओके, बी एंड सी की, बी सी की वैल्यू है 5.8 सेंटीमीटर. सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर रफ फिगर. ओके, अब हमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है. अब ऊपर क्या करेंगे हम, 7.3 सेंटीमीटर्स का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. सो स्केल का यूज करेंगे हम. यहाँ पर है 0, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, देन ये 7.1, 7.2, 7.3. ओके, 7 के बाद वाली थर्ड लाइन 7.3. अब इन दो पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट. ओके, लाइन सेगमेंट ए बी ये है 7.3 सेंटीमीटर्स का. देन इसके बाद क्या दिया गया है हमें, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज. फर्स्टली एंगल ड्रॉ करना है हमें. सो ये अगर आपको ये उल्टा नहीं आ रहा है एंगल ड्रॉ करने को, तो आप पेज को और अपनी नोटबुक को पलट सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं. प्रैक्टिस करने के बाद आपको जल्दी जल्दी ये समझ में आ जाएगा. ओके, सो ये 45 डिग्रीज का है. ओके, अब यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40. ओके, 45 डिग्रीज है. सो 40 एंड 50 में जो मिडल बिग लाइन है उसे कहते हैं 45 डिग्रीज. सो यहाँ पर हमें एक न्यू पॉइंट मिला. अब इस पॉइंट को एंड पॉइंट बी को हम जोड़ देते हैं. ओके, ये हो गया हमारा एंगल बी एंड विच इज ऑफ 45 डिग्रीज. अब लास्टली हमें क्या करना है, साइड बी सी ड्रॉ करना है. इसके लिए हम स्केल एंड कंपास का यूज करेंगे. ओके, सो फर्स्टली यहाँ पर 0 पर कंपास का टिप आएगा. ओके, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, देन हियर 5.5. ओके, 5 and 6 में जो मिडल बिग लाइन है उसे कहते हैं 5.5 सेंटीमीटर. देन 5.6, 7, 5.8. ओके, सो ये हो गया हमारा 5.8 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस. अब पॉइंट बी पर हम कंपास का टिप रखेंगे. देन इस एंगल पर कर्व ड्रॉ करेंगे. ओके, सो इस न्यू पॉइंट को हम नाम देते हैं सी. ओके, अब इस सी पॉइंट को एंड ए पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं. अब बी सी हमारा डिस्टेंस कितना था, 5.8 सेंटीमीटर. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन. ओके फ्रेंड्स, सो हमने यहाँ पर आज प्रॉपर्टी 2 स्टडी की. ओके, हमें यहाँ पर क्या दिया गया था, 2 लेंथ्स एंड 1 एंगल्स, इससे हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया. ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे. ओके.